গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। বাড়ি থেকে বউ দূরে, তো আজকে আমি অনেক তাড়াতাড়ি উঠে গেছি। এখন বাজে সকাল 8টা। আমার সুন্দরী কন্যা উঠে পড়েছে, কালকে খুব বকেছিলাম ওকে, রোজ রোজ দেরি করে ওঠে বলে, তো আজকে সকালে উঠে গেছে। আবার থেকে রোজ সকালেই উঠবো স্কুলে, আবার স্কুল তো খোলার টাইম হয়ে গেল তাই। তো গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, আপনাদের সবাইকে আমাদের চ্যানেলে স্বাগত। সবাইকে সুপ্রভাত। মানে খেতে বসে, আমরা এখন চা খেতে বসে গেছি, চা নয় ওইটাই যেটা আমি খাই। আজকে বাইরে বেরিয়েছিলাম, আজকে সকাল সকাল উঠে পড়েছিলাম, উঠে একটু হাঁটতে গেছিলাম। সকালে উঠে ভাবলাম যাবো না যাবো না, কিন্তু আজকে গিয়েছিলাম। গিয়ে ফুল নিয়ে এসেছি, হেঁটে হেঁটে এসেছি, শাক তুলে নিয়ে এসেছি আজকে। তো ওই শাকেরই আজকে রেসিপি বানাবো। আর প্রচুর ঠান্ডা পড়ে গেছে এখানে, খুব কফ হয়ে গেছে, ঠান্ডা এত লেগেছে, চোখ ফোকগুলো একদম যন্ত্রণা হচ্ছে, মাথা যন্ত্রণা হচ্ছে, যেতে ইচ্ছা ছিল না। দু তিন দিন তো যাইনি, আজকে গেছিলাম। এবার থেকে ওই মানে চাদর ফাদর গায়ে দিয়ে যেতে হবে, সোয়েটার ফোয়েটার পরে যেতে হবে। তো এই যে আমার মাইয়া, মাইয়া এখন খাইতেছে পরোটা, পরোটা বানাইছি আর মিষ্টি আছে তার সাথে। আর আমার জন্য আছে ওই গরম পানি, আর গরম পানির লগে আমি এখন দিমু একটু হানি। তো হানি দিয়ে আমি গরম পানিটা পিয়া লই, লোক এমনি হাসবে। আর তুমি মধ্যে হানি নিবি? তো এখন আমরা একটু হানি ফানি খেয়ে নিই, হানি ফানি খেয়ে একটু গোটা গোটা খেয়ে নিই। তো দেখিয়ে দোস্ত, আজ হাম মর্নিং মে ওয়াক করতে গে থে, তো ইয়ে লেকে আয়ে হ্যাঁ, ইয়ে শাক হ্যাঁ, আর আজ মে ইসি কা রেসিপি বানাউঙ্গি। ইয়ে এসাই ইধর বহুত দেখনে কো মিলতা হ্যায়, বাট ইয়াহাঁ কে লোক খাতে নেই হ্যায়, পর হামারে বঙ্গাল কে লোক খাতে হ্যায়। বঙ্গাল কে লোক ভি খাতে হ্যায়, মতলব हमारे मेरे मम्मी के घर पे आंगन में ये होयर रहता है, होके रहता है, और इसको हम लोग बहुत बहुत टेस्टी लगता है, खाते भी हैं। तो आज मैं इसी का रेसिपी बनाऊंगी। ये जो फूल, मतलब मैं ये सारे उठा के इसलिए लाई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो दोस्तों, मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है गैस पे, और गैस भी ऑन कर दिया है, और इसमें थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है 2 चम्मच। तो ये रेसिपी जो मैंने साग काट की थी, साफ की थी, उसको मैंने धो के और ऐसे बारीक बारीक काट ली हूँ। और इसके लिए मुझे चाहिए 5-6 कली लहसुन और मिर्ची, 1 मिर्ची डालिए और 1 प्याज डालिए, और थोड़ा सा हींग डालूँगी 1 पिंच। इसमें मैं थोड़ा हींग डाल देती हूँ, और इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी जीरा। अब ये जीरा थोड़ा चटकने लगा है, अब मैं इसमें सारा का सारा डाल देती हूँ। और मैं क्या की हूँ, इसमें 1 आलू ऐसे बारीक बारीक काट ली हूँ, इसे भी डाल देती हूँ। आपको अगर आलू नहीं पसंद है या फिर डालना नहीं चाहते हैं तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। तो अब इसको थोड़ा चला लेती हूँ। ये ऐसा कुछ हैवी रेसिपी, ये बहुत जन खाते नहीं है और बहुत जन को पता भी नहीं है खाना चाहिए, और लोग सोचते हैं कि ये मतलब ये ऐसे ही इधर उधर उगा है, इधर उधर हुआ है, तो ये खाना नहीं चाहिए, ये जहर हो सकता है, ऐसा इंसान के दिमाग में ऐसा ही सब चलता है। तो इसलिए मैं ये रेसिपी दिखा रही हूँ बना के, और ये सेहत के लिए अच्छा भी है। मेरे पापा ये जब हमारे आंगन में उगता है तो मेरे पापा जिस दिन छुट्टी रहता है बस एक छोटा सा कटोरी में थोड़ा साग ऐसे ही उठा लेते थे, और उसको धो के साफ करके बस बना के तुरंत
दाल चावल के साथ खा लेते हैं। मुझे भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी इसको थोड़ा सा ऐसा हिला लेती हूँ, चला लेती हूँ, ये थोड़ा सा पक जाए, उसके बाद मैं साग को डालूँगी, फिर दिखाती हूँ मैं। तो दोस्तों मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है, अंदाजा जितना मुझे चाहिए, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक डाल दिया है। और ये थोड़ा हो भी गया है तो थोड़ा और होने के लिए देते हैं, बस थोड़ा सा तो हो जाएगा, तो फिर मैं इसमें साग ऐड कर दूँगी। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम बाहर हैं तो इसलिए सबको पता नहीं है, गाँव में सबको पता है, ऐसा नहीं है। बहुत मतलब बहुत लोगों को उसके उनके घर के सामने उगा हुआ है तो भी उनको पता नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए मैं दिखा रही हूँ ताकि सब कोई खाए और इंजॉय करें, मस्त खाए, मस्त रहे, उसका बिंदा खाए और टेस्ट भी थोड़ा चेंज हो जाए खाने का। बस ये आलू हो गया है मुझे जितना चाहिए, अब ये साग मैं उसमें ऐड कर दूँगी। अब मैं साग ऐड कर दूँगी और गैस का फ्लेम थोड़ा सा कम कर दूँगी। आप इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, ताकि मैंने बस अब मैं इसमें लिड लगा देती हूँ। तो दोस्तों देखिए ये कम हो गया है, मतलब ज़्यादा दिख रहा था, अब कम हो गया है। और ये एक्चुअली ये ट्राइबल का खाना है, ट्राइबल लोगों का खाना है, और एक्चुअली ट्राइबल लोगों का भी खाना नहीं है, वो लोग सब कुछ खाते हैं इसलिए इतना स्वस्थ रहता है। मैं उन लोगों को भी छोटा नीचा नहीं दिखाना चाहती हूँ, उन लोग इतना कुछ इतना अच्छा अच्छा हेल्दी फूड खाते हैं तभी उन लोगों का बॉडी इतना अच्छा है, उन लोग बीमार नहीं पड़ते। तो ये एक्चुअली गाँव में ही खाते हैं, गाँव में ही ज़्यादा गाँव के लोग ही खाते हैं, शहर के लोग खाते भी नहीं है, और बनाते हैं खाते तो लोग हंसते भी है, तो मेरे ऊपर भी लोग हंसते हैं, तो इतना मैं माइंड नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे जो पसंद है वो मैं खाती हूँ और जो सेहत के लिए अच्छा है वो भी मैं खाती हूँ, तो इतना माइंड नहीं करती हूँ मैं। मुझे टेस्ट चेंज करके खाना ज़्यादा पसंद है, थोड़ा और होने देती हूँ, बस अब हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए ये साग बन गया है, मतलब ये रेसिपी बन गया है, जैसे जितना सूखा होना चाहिए था, जितना बॉयल होना चाहिए था, जितना कुक होना चाहिए था, ये ऑलरेडी हो गया है। तो मैं और कुछ नहीं करूँगी इसको, इसमें और कुछ नहीं करने का है, ऐसे ही खाने का है। एक और बात बोलना चाहती हूँ, अगर किसी को ये गीला गीला पसंद है और उसमें आलू डाल के या फिर और कुछ करके, तो ये गीला भी बन सकता है। तो आप लोगों का जैसा मर्जी आप लोग बना सकते हो, मैंने ऐसे सूखा रखा है क्योंकि मुझे आज सूखा ही खाने का मन है इसलिए। तो आप लोग बनाइए, खाइए और इसका टेस्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बंधुरा आज के हमारे मेनू में की किया चले कु भात आछे सिम भाजा आछे आर की बोले शाक भाजा आछे और ये जे मांस आछे चिकन देखिए देखो ना मत के हम लेग पीस खाई लेग पीस। तो বন্ধুরা আপনারা দেখলেন ওই শাক করেছিলাম, ওটাকে আমার মা বলে গয়লা নোটে শাকটা দেশি নোটে আর কি, তো ওইটা করেছি আর একটা আলু দিয়ে দিয়েছি কারণ কম হয়ে যাবে, আপনারা জানেন আমি শাক খেতে ভালোবাসি, তো একটা আলু দিয়ে দিচ্ছি তাকে একটু বেশি হয়ে গেলে দুবেলা চালিয়ে নিতে পারবো। আর শিম আলু ভাজা কুচি আজকে ভাত বেড়েছে, তো আপনারা মানে চেহারা দেখে বুঝতেই পাচ্ছেন যে কীরকম করে ভাত বাড়তে হয়, আপনারাও শিখে নিন। তো আজকে আমার মেয়ের আনন্দের সীমা নেই, খেয়ে নিই তারপরে আবার দেখা করছি, আজকে একটা জায়গায় বেড়াতে যাওয়ার আছে সারপ্রাইজ, তো আপনাদেরও নিয়ে যাবো, খেয়ে নিই। খুব পেটে ইঁদুর ছুঁচো সব দৌড়াচ্ছে নাচানাচি করছে, আর মাংস হয়েছে তো আর দেরি করা যায় না। বন্ধুরা আজকে মনটা অনেক খারাপ হয়ে গেছে, কেন কি আজকে পার্কে গেলাম যে দেখছি পার্কটা বন্ধ আছে, কি হচ্ছে কে জানে ওরাই জানে, তো পার্কটা বন্ধ আছে বলে আর দেখাতে পারিনি। তো কালকে যদি পার্কটা খুলে তাহলে কালকে দেখাবো পার্কটা, তো আজকে টাইম অনেক হয়ে গেছে, ওই যে ঘুরতে তো পাইনি তাই জন্যে মা ওই বুলটি আন্টিদের ঘরে নিয়ে চলে গেলো আমাকে,
যে মা গল্প করছে আর আমি পাখিটার সাথে খেলছি। দিয়ে তারপরে মা বললো ঘর চল, আমি ঘরে আসছি আর অনেকগুলো ওই কি বলে যে বাজি পেয়েছি, ওই কাগজের ভেতরে কি সব ভরে রাখে ওইটা ফাটাল এরকম ফেললে ফাটে, তো ওইগুলো পেয়েছি আর আমার মনটা অনেক খুশি আছে। তো আজকে লগা লম্বা করছি না, তো বাই বাই, রাখি, নেক্সট ব্লগে দেখা হচ্ছে, বাই বাই।